गुड मोदीकर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर सिंह एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। एक मार्केट लाइन है पेस्टिसाइड में, और इसमें मैंने ना 10 साल जो हो चुके हैं इस जॉब को करते हुए, वो और पेस्टिसाइड में जो आज हमारा सेशन हो रहा है ना, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है मोदी केयर के, जो जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और मैं थैंक्स करता हूँ पहले मेरी अपलाइन मनजिंदर सिंह मनुभा जी कलेर साहब, जो जिन्होंने मेरे को इस लाइन में प्लग इन किया है, और मैं इस मोदी केयर इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर लेवल पर काम कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे मेंटर जो परमजीत सर हैं खडूर साहब, क्योंकि उनकी जब भी मीटिंग में मिलते हैं देखते हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे बताया, उनके द्वारा बताए गए टूल्स के द्वारा हम काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया इनकम कमा रहे हैं। और हमारे शेरे पंजाब जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड पंजाब के जो पहले फर्स्ट जीबीडी हैं मनीष चोपड़ा जी, उनका भी थैंक्स करता हूं मैं। और आज हमारा जो टॉपिक मेरे को दिया गया, मैं बहुत थैंक्स करता हूँ हमारे होस्ट अनाहिता जी का, अनाहिता चोपड़ा जी, जिन्होंने मेरे को आज इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए इनवाइट किया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा प्रोडक्ट है एक्टिविटी, हम इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ 25 से 30 मिनट हम इसके बारे में, एक ये प्रोडक्ट है एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स जो हमारा एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट है, इनके बारे में हम बात करेंगे आज। आओ पहले बात करते हैं हम एक्टिविटी की। एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्ट है ना, बहुत ही बाकमाल जबरदस्त प्रोडक्ट है। जैसे अब हमारा सीजन चल रहा है ना गेहूं का, गेहूं पर जैसे खरपतवार नाशक की नहीं खत्म होते, नदीन खत्म नहीं होते हमारे खेत में से, होता क्या भाई, जब गेहूं बोते हैं, गेहूं बोने के बाद 15-20 दिन के बाद जब हम फसल को पानी देते हैं, पानी देने के बाद जो होते हैं ना खरपतवार होते हैं, नदीन होते हैं, वो हमारे खेत में बहुत ज्यादा निकल आते हैं, जिसको अलग अलग कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट में उसको खरपतवार को खत्म करने के लिए प्रोडक्ट दिए होते हैं। टॉपिक लीडर अलग अलग सेगमेंट है, उसका छिड़काव करते हैं, तो जो समस्या हमारे खेत से खत्म नहीं हो रही। हमारे पास एक जादू की छड़ी जैसा प्रोडक्ट है, जिसके जरिए हम इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी बदौलत हम ये समस्या कम कर सकते हैं। जो हमारा एक्टिवेटर स्प्रेडर वेटर भी है, जो फसल में जब हम इसके साथ जो मार्केट से अवेलेबल प्रोडक्ट लेते हैं, हम जो नदीन को ख़त्म करने के लिए लेते हैं ना, उसके साथ मिक्स करके स्प्रे करते हैं ना, तो होता क्या है, नदीन को पूरी तरह, सर्दी का मौसम है, ओस पड़ जाती है, और जब स्प्रे करते हैं डालते हैं ना, तो नदीन पर ज़्यादा स्प्रे नहीं डलती, वो जमीन पर चली जाती है। जमीन पर जाने से जो हमारी सर, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इंद्रजीत सर, एक बार आप कंफर्म करना, मुझे नहीं ठीक आ रही, मेरे नेटवर्क में इशू है या इनकी इनके साइड से इशू आ रहा है, आप बताना जरा। अमृतपाल भैया, आप बताओ जरा कि आपको आवाज आ रही है इनकी क्लियर? हाँ जी मैम, मुझे आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके, देन मेरे एंड से प्रॉब्लम, सो सॉरी सर, आप कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू। अगर दोबारा आवाज ना आए तो एक बार बता देना, कोई बात नहीं, हम दोबारा देख लेंगे। मैं जैसे बता रहा था कि जैसे खरपतवार का अब समय चल रहा है, गेहूं की फसल की बिजाई हो चुकी है, उसके बाद होता क्या है कि जब 20-25 दिन के बाद जो होती है स्प्रे शुरू हो जाती है नदीन नाशक की, और नदीन नाशक अलग अलग कंपनी होती है ना जो वो देती है पेस्टिसाइड में जब देती है ना, तो उनमें एक स्प्रेडर वेक्टर डला होता है, पर वो जो होता है ना तकरीबन वो बहुत कम मात्रा में होता है, जो खरपतवार को पूरी तरह से भिगो नहीं सकता, जिसके कारण चलते चलते होता क्या है कि वो खरपतवार खत्म नहीं होता जमीन से, वो खत्म नहीं होता, तो एक तो दोबारा जमींदार को स्प्रे करनी पड़ती है, जो हमारा जमींदार होता है, चाहे
पंजाब का है, हरियाणा का है, किसी और जगह के, ये प्रॉब्लम सभी जगह में आती है इस बार। तो जो जब दोबारा एक बार स्प्रे करने की जो कीमत है ना, कीमत बढ़ जाती है, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा तो उसके होगा क्या, आमदनी घटती जाएगी। और जब खरपतवार खत्म नहीं होगी जमीन से, तो जो हमारी फसल होती है ना, फसल का जो झाड़ होता है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, बाद में कम निकलती है। और ये हमारा एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है एक्टिविटी। जब हमने पहली स्प्रे करनी है ना किसी भी खरपतवार को खत्म करने के लिए, वो देख लो मार्केट से आप प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टू इसकी जो डोज है ना, ये जैसे पानी लगाता कोई 125 लीटर एकड़ में, तो इसकी डोज 25 लीटर वाला जो पंप है ना, उसमें 10 से 12 ml पर एकड़ के हिसाब से, जैसे एक पंप में 10 ml डालनी है तो 50 ml ही डलेगा जी एकड़ का। इससे क्या होगा कि जो आपने स्प्रे ली है खरपतवार नाशक की, वो खरपतवार ना पर पूरे की पूरी उसको कोट करेगी। कोट करने से जो उसका दवाई का काम है ना, वो फास्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही पौधे के सिस्टम में जाएगी, पौधे के सिस्टम में जाने पर ही ना 6 घंटे में उसके अंदर चली जाएगी और काम करना शुरू कर देगी, और आपको रिजल्ट जेड़े है ना बहुत बेहतरीन मिलेंगे। एक तो इसका जो फर्स्ट टाइम तो ये होता है, उसके बाद क्या है, जैसे आपने दोबारा यूरिया डलवानी है, खरपतवार खत्म हो गई, खरपतवार खत्म होने के बाद जब दूसरी यूरिया डलवाते हो आप, ये पौधे को जो होती है ना बालियां ज्यादा निकले, फुटार ज्यादा आवे, उसके समय आप एक यूरिया जो डालनी है ना, यूरिया में यूरिया कम लो। जैसे फर्स्ट यूरिया डालते हैं लोग, एक कट्टा डालते हैं, एक कट्टा 45-50 किलो का होता है, उससे आप ऐसे करो, उनको बोलो भैया आप जो यूरिया डाल रहे हैं ना, आप कम कर लो, 30 किलो कर लो, 35 किलो कर लो, उसमें इसकी मात्रा जो है ना हमारे एक्टिविटी प्रोडक्ट की, वो 150 से 200 ml डालनी है। 100 वैसे तो हम 160 ml ज्यादातर बताते हैं, क्योंकि 160 ml पानी में थोड़ा सा मिला करके यूरिया पे डाल के उसको कोट करके तो छिट्टा लगा देते हैं ना, जो यूरिया होती है ना उसमें नाइट्रोजन होती है, एक गैस होती है नाइट्रोजन। वैसे तो नाइट्रोजन हमारे जो है ना कुदरत की दी हुई है, मगर वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होती। जो यूरिया हम मार्केट से लेकर ग्रैनुअल डालते हैं ना, वो अवेलेबल फॉर्म में होती है। जब पौधे की जड़ के पास गिरती है, मिलती है ना उसको, तो वो उसकी ट्रिलरिंग और उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसको बढ़ाती है। होता क्या है कि जब जमीन में हम यूरिया डालते हैं, तो होता क्या है, कुछ तो नाइट्रोजन जब जमीन के पास पड़ती है तो कुछ हवा में मिलकर उड़ जाती है, नाइट्रोजन गैस होती है, वो गैस में मिल जाती है, तो कुछ जमीन में लीच हो जाती है। जब हम एक्टिविटी को उसके साथ मिलाकर छिड़काव करेंगे यूरिया का, तो होगा क्या, जो हमारी यूरिया होगी, जो हमने उसको खुराक दी है पौधे को, वो पौधे की जड़ के पास रहेगी, वो तो ना जमीन में लीच होगी ना हवा में उड़ेगी। जितनी जरूरत होगी ना पौधे को 5-10 दिन में, वो उतनी उतनी उसको मिलती रहेगी, और हमारा जो पौधा होगा, हमारा पौधा जो होगा ज्यादा बालियां आएंगी और ज्यादा बढ़िया उसकी ग्रोथ होगी। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट ले चुका हूँ, पहले भी मैंने इसको ट्राई कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से दूसरी कंपनी का, जो हमारी पेस्टिसाइड में आ रही है। तो जब से मेरे को मनजिंदर भाजी ने, जो मेरी अपलाइन है, उन्होंने प्लग इन किया है इस सिस्टम के साथ, तो मैं थैंक्स करता हूँ उनका एक बार फिर। मैं इस समय एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ अपने काम के साथ साथ, और एक्टिविटी के बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं मेरे को। जैसे आप एक बार यूरिया डालते हो, दो बार यूरिया डालते हो, तो दो बार यूरिया में आप डलवा सकते हो उनके साथ, यूरिया के साथ। नदीन नाशक में डलवानी है तो 50 ml एकड़ की डलवानी है। उसके बाद जब होता क्या है, फसल हमारी ऊपर आ जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद क्या होता है कि उसकी बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, उस पर इंसेक्टीसाइड या फंगीसाइड का नियंत्रण करने के लिए, उनको कीटों से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए हमें स्प्रे डालनी पड़ती है पौधे पर। जब पौधे पर हम स्प्रे डालते हैं ना, उस समय क्या होता है, उस समय जैसे ओस पड़ी होती है, त्रेल धुंध पड़ी होती है, सर्दी का मौसम है, तो सुबह 12 बजे तक तो जो ओस होती है ना वो निकलती नहीं है। जो कीट होते हैं हमारे, वो फसल का नुकसान बहुत कर जाते हैं, इंसेक्ट जो होता है हमारी फसल का बहुत नुकसान करता है।
फंगस आ जाए तो फंगस भी बहुत नुकसान करती है। उस समय क्या होता है भी उस समय जैसे हम मार्केट से कोई भी इंसेक्टीसाइड चाहे फंगीसाइड ले कर लेकर छिड़काव करते हैं, तो वो जैसे बूंद पर बूंद गिरेगी तो नीचे गिर जाती है पानी की, जब हम स्प्रे करते हैं फॉलियर स्प्रे करते हैं। उस समय क्या है बहुत जरूरी है, उस फॉलियर स्प्रे में हमारा जो मोदी केयर का एक्टिविटी आता है ना, उसको साथ मिलाकर स्प्रे करने से, जब हम उसको साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं ना, तो होता क्या है जिस सिस्टम में विद इन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर पौधे के सिस्टम में चली जाती है। जब स्प्रे करते हो ना, स्प्रे करने के 30 मिनट के अंदर अंदर जो है सिस्टम के अंदर चली जाती है, सिस्टम के अंदर जाने के बाद अपना काम शुरू कर देती है। वैसे तो स्प्रे जब भी करते हैं 6 से 12 घंटे लगते हैं, जे अगर नॉर्मल हम करते हैं कोई एक्टिवेटर नहीं डालते, तो एक्टिवेटर डालने का कारण यही है कि ये जल्दी से जल्दी सिस्टम के अंदर, पौधे के सिस्टम के अंदर जाती है और जो जहां इंसेक्ट होता है वहां तक ये दवाई उसको पहुंचा देती है, स्प्रेड कर देती है उसको सिस्टम के थ्रू। अगर एक पौधे के किनारे पर पड़ी है, इंसेक्ट उसकी जड़ में लगा है, पानी उसकी जड़ तक नहीं पहुंचता, उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। जो बूटे के जो पौधा है ना, पौधे के अंदर एक सिस्टम है जाइलम, जैसे हमारे अंदर खून के प्रवाह चलता है ना, वैसे पौधे के अंदर भी एक सिस्टम होता है जो जमीन से खुराक लेता है, पत्तों के साथ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के साथ वो भोजन को तैयार करता है और बालियों को दानों को सभी जगह तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम की विधि के थ्रू ये जो होता है ना सिस्टम सारा कंटेन करता है, पत्तों में छिड़काव करने से जो दवाई हमने डाल रहे हैं ना, वो सारी की सारी पौधे के सिस्टम के थ्रू जैसे जड़ के पास इंसेक्ट है, जड़ के पास तक वो दवाई पहुंचा देता है। और उसको फास्ट एक्शन करने के लिए, जो फास्टली रिजल्ट मिलने के लिए, हम जब मोदी केयर का हम अपना एक्टिविटी उसके साथ मिलाकर यूज करते हैं, तो रिजल्ट जो होते हैं ना वो 100% रिजल्ट मिलते हैं। जो दवाई की एफिकेसी होती है ना, दवाई की एफिकेसी को बढ़ा देता है। जैसे दवाई ने काम करना है भाई, दवाई काम करती है 70 से 75% तक। जब कोई भी छिड़काव करते हैं तो वो पूरा नदीन अपना पूरा इंसेक्ट के पास तक नहीं दबाई जाती, वो कारण क्या होता है वो कुछ छूट जाता है, इंसेक्ट रह जाता है, जिसकी दोबारा जो खरपतवार है हमारा जमींदार है, किसान है, कोई भी किसान है, किसान कंप्लेन करता है दुकान वाले के पास कि भाई आपकी दवाई ने पूरा काम नहीं किया। अगर उसके हम जमींदार को किसान को एक्टिविटी के साथ छिड़काव करवाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे मिलेंगे और उसकी उपज आमदन बढ़ेगी, क्योंकि जब भी इंसेक्ट या फंगस आती है वो 5 से 10% जो फसल की डिसीज होती है ना वो नुकसान करके जाती है। तो जब नुकसान हो जाता है तो नुकसान जो होता है हमें बाद में पता चलता है, जब हम उस फसल की कटाई करते हैं, तुड़ाई करते हैं, जो भी होता है ना, तुड़ाई करने के बाद हमें पता लगता है कि हमारी जो यील्ड है ना वो कम हो गई। उस समय हम बोलते हैं कि अगर भैया हमने कोई अच्छा साथ में एक्टिवेटर डाला होता ना तो हमारी फसल का नुकसान नहीं होना था। अगर हम अपने जमींदार किसान भाइयों को पहले आगाह कर देंगे हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, भी अगर हम अपना प्रोडक्ट उनके पास लेकर जाएं, उनको बताएं कि इसके डालने के साथ जो आपकी फसल है ना, काम तो दवाई करेगी, ये उसको काम करने की क्षमता को बढ़ा देगी, काम करने की जब क्षमता बढ़ जाएगी, जो 70% डिजीज को खत्म करना है ये 100% डिजीज को खत्म कर देगी, क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू काम करती है। जो बूटे को कंटेन करता है उसके अंदर जो जाइलम होता है जो ऊपर से नीचे तक खुराक देता है स्प्रे की, जो डिजीज को खत्म करने के लिए, इंसेक्ट को फंगस को खत्म करने के लिए जो छिड़काव करते हैं उसको बहुत बेहतर बना देता है। तो आप सभी इस प्रोडक्ट के साथ अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको ये प्रोडक्ट बताएं और छिड़काव करवाएं उनको, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। एक बार और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो हमारी जीरी की फसल होती है ना, चुने का टाइम होता है, उस समय क्या होता है उस समय पानी की बहुत दिक्कत होती है। उस समय क्या होता है कि गर्मी होती है, एक तो लाइट बहुत कम आती है, पानी की दिक्कत होती है, गर्मी की जल्दी की आती है जब गर्मी,
तो पानी लगता है। एक तो उस समय क्या होता है कि जमीन हमारी जो होती है बहुत सख्त हुई हुई है, हमारी जमीन है जो अल्कोहलिक हो चुकी है, जैसे हम उसमें डीएपी ज्यादा पा रहे हैं, फास्फोरस पोटाश पा रहे हैं, यूरिया डाल डाल के हमने इतनी अल्कोहलिक कर दी है कि एक उसकी लेयर है जो हार्ड हो चुकी है, वो जो फास्फोरस पोटाश और यूरिया है वो अकेली फिक्स नहीं हुई, हमारे और भी जो तत्व है ना, जैसे मैग्नीज है, बोर्न है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिस सारे तत्वों के साथ एक लेयर बन चुकी है जो बहुत हार्ड हो चुकी है, जो हमारी अवेलेबिलिटी में नहीं है। होता क्या है, जब हम जीरी लगानी है ना, जीरी लगाने के बाद खरपतवार की दवाई डालनी है, खरपतवार की दवाई जैसे मसैटी डालते हैं या पटीला क्लोर डालते हैं, उसके भीतर भी जो 150 ml, 100 से 150 ml उसके साथ मिक्स करके डालेंगे ना, एक तो हमारी जमीन जो रहती है ना वो ज्यादा नमी रहेगी, और एक ऊपर वो जो दवाई है ना लेयर बना लेगी, पूरी फैल जाएगी, क्योंकि हमारी जो दवाई आती है ना वो ईसी या ऐसी आती है, तेल को कंटेन करती है, फॉर्मुलेशन होती है ना उसकी, तेल की कंटेनिंग होती है, उसके साथ वो स्प्रेड नहीं करती, पूरी जमीन जमीन में स्प्रेड नहीं करती, वो लेयर नहीं बनती, उससे नदीन निकल आते हैं। जब इसको साथ में डलवाएंगे ना एक्टिविटी को, उसके साथ होगा क्या, वो एक जमीन के ऊपर लेयर बना देगी, जब जमीन के नीचे से खरपतवार निकलेंगे उसको टच करेंगे तो वो नदीन खत्म हो जाएगा, वो जमींदार की जो है ना किसान की वो एक दिक्कत खत्म हो जाएगी। जब आपको आप उनको ये प्रोडक्ट देंगे ना, वो आपको दोबारा फिर रिपीट पे ऑर्डर डिमांड करेंगे, क्योंकि मेरे पास हो चुका है, मैंने इस सीजन में इसके काफी रिजल्ट देखे हैं और मेरे को डिमांड पे दोबारा ऑर्डर मिले हैं इसके लिए, मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात इसकी ये है कि जो हमारी जमीन है ना वो हार्ड हो चुकी है, उस जमीन को जैसे हम यूरिया या उसके साथ जमीन को उपजाऊ करने के लिए मार्केट के जो अधिक तत्व लेते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, और जो हमारा ये प्रोडक्ट है ना एक्टिविटी, अगर हम उसको यूरिया के साथ फिर कंटेन करके 150 से 200 ml एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ उसको डलवाते हैं, पानी में छिड़काव करवाते हैं, तो हमारी जो जमीन है ना वो उपजाऊ ज्यादा होगी। आप 3 साल लगातार किसी के खेत में ये डलवा दोगे ना, जो जमीन के नीचे एक परत बनी है जिसको हम अल्कोहलिक परत बोलते हैं, 3 लेयर होती हैं जमीन की, वो बांड हुई पड़ी है जो हमारे सूक्ष्म तत्व है, जिसकी वजह से हमारा पौधा ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा शाखाएं, ज्यादा प्रॉपर्टीज, जिनकी जरूरत के कारण हमारा जो होता है ना फसल की कटाई के समय जो हमारे यील्ड मिलती है वो बहुत बढ़िया होती है, वो सारे सूक्ष्म तत्व हमारी जमीन के नीचे फिक्स हुए पड़े हैं। जब उनको जब पोल देगी जमीन के, पौधा जो है ना ज्यादा ग्रोथ करेगा, उनकी शाखाएं जो है ना जो जड़ होती है जमीन के भीतर तक खुद जो है ना वो ऊपर लेगा, पौधा ज्यादा फुटाव करेगा, ज्यादा ग्रोथ करेगा और ज्यादा बालियां आने से ज्यादा जो झाड़ बढ़ेगा और आपके डिमांड पर ये प्रोडक्ट बिकेगा, आपको बुलाएंगे दोबारा भी आकर आपको हमारे को एक बार बताओ, जो प्रोडक्ट जिस जमींदार ने, जिस किसान भाई ने आपसे एक बार लेके बरत लिया वो इसका फैन हो जाएगा। मैं ये शर्त से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके डिमांड रिपीट पर ऑर्डर मिलते हैं, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये प्रोडक्ट हर फसल पर किसी भी इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड में मिक्स होकर स्प्रेडिंग फॉलियर स्प्रे के साथ यूज कर सकते हैं हम। और उसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव मैक्स, ये जो हमारा एक्टिव मैक्स है ना ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये डीप बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट है, वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है, ये केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये हर एक फसल के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना कोई भी फसल जो होती है ना उसके लिए ना उसको फसल को तैयार करने के लिए 16 मुख्य तत्व चाहिए, 16 तत्व होते हैं जो फसल के लिए जरूरी होते हैं, जो हम कुछ तत्व जो होते हैं ना वो हम उसको थ्रू यूरिया डीएपी जो होता है फर्टिगेशन में देते हैं, कुछ उसको फॉलियर स्प्रे में देते हैं, और कुछ तत्व होते हैं जो जमीन के थ्रू मिलते हैं, जैसे हमने डीएपी
जो फास्फोरस होती है, पोटाश होती है, यूरिया होती है, सल्फर होती है, मैग्नीज होती है, वो तो हम दे देते हैं उसको फर्टिगेशन में, छिट्टे के रूप में हम जमीन को दे देते हैं, बिल बिल करा देते हैं। और कुछ तत्व होते हैं जो कुदरत के माध्यम से पौधा खुद ब खुद लेता है, और कुछ तत्व हैं हमारे इस एक प्रोडक्ट में, इस एक प्रोडक्ट में 8 से 9 तत्व है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। कुदरती भी तत्व है, इसमें कोई भी जहर नहीं है, जहर रहित प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जो हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं ना, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज करने से जो उनका फल सब्जी जो भी गेहूं है, उनका दान है, वो सब जो होता है जहर रहित तैयार हो सकता है, क्योंकि इसमें तत्व जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, और इसमें सूक्ष्म तत्व बहुत है, जैसे इसमें मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, बोरोन है, आयरन है। आप इसके पंपलेट के पीछे एक बार स्टडी कर लीजिए, जो जो प्रोडक्ट 8-10 इसमें प्रॉपर्टीज है ना, जो एक पौधे को तैयार करने के लिए, फसल को तैयार करने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका हम ना 2 टाइम पर छिड़काव कर सकते हैं फसल के। जैसे हम अब कनक है, वीट चल रही है, वीट के ऊपर जैसे किसी जमीन की ना, होता क्या है भी जमीन भी हमारी जड़ी होती है ना, वो 3 तरह की होती है, सैंडी सॉइल होती है, रेतली होती है, और हमारी अल्कोहलिक जमीन होती है। उनकी होती है कि प्रॉपर्टीज के कारण उनके कमी आ जाती है, खनिज पदार्थों की जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी आ जाती है, उनको क्या आता है, हमें आर्टिफिशियल तत्व देने पड़ते हैं, जैसे यूरिया, DAP, फॉस्फोरस हम देते हैं, उसी तरह से हमको ये तत्व देने पड़ते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरन, आयरन, मॉलिब्डेनम, ये सारे तत्व हमें फॉलियर स्प्रे के रूप में देने पड़ते हैं। अगर वो एक एक तत्व हम बाहर से मार्केट से लेकर आएंगे, तो उसकी कॉस्ट जो एकड़ की होगी, वो 1000 से 1200 रुपए की पर एकड़ की कॉस्ट आएगी, अगर एक एक चुनके लाएंगे तो। ये जो एक प्रोडक्ट है ना हमारा, एक प्रोडक्ट एकड़ की अपना कॉस्टिंग लेंगे अगर जिमीदार की, तो 300 से 350 रुपए पड़ेगी, 300 से 350 रुपए का एक स्प्रे बनेगा। जो मार्केट से लेंगे हम अलग अलग, तो 1000 से 1200 रुपए का वो बनेगा, खर्चा लगेगा एकड़ का ही। ये प्रोडक्ट हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है सारा, और इसको हम 2 बार स्प्रे कर सकते हैं फॉलियर स्प्रे। एक तो जब हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है उस समय कर सकते हैं, दूसरे समय जब इसमें दाने गेहूं आने शुरू हो जाएंगे, बालियां आने शुरू हो जाएंगे, उस समय कर सकते हैं। जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है ना, जैसे कोई भी फसल है, सब्जी है, चाहे धान है, चाहे बीट है, उनकी ना 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेज होती है। जैसे पहली स्टेज होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरी स्टेज उसकी होती है रिप्रोडक्शन, और तीसरी होती है राइपनिंग। जो पहली स्टेज है ना रीप अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है हर फसल के अनुकूल। जैसे हमारी गेहूं चल रही है, अब गेहूं जो है ना हमारी, वो हमारी 70 दिन तक उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ग्रोथ में जाना होता है उसने। 75-80 दिन के बाद उसकी जो बालियां निकलनी होती है ना शुरू, जिसमें गेहूं के दाने बनने शुरू हो जाते हैं, बाली निकलती है, उसके बाद उसमें से ना दाने बनने शुरू हो जाते हैं। वैसे हर फसल का अलग अलग टाइम है। वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में जो सिमिलैरिटी होनी बहुत जरूरी है, अगर वो सिस्टम सही नहीं होगा तो उसकी जो राइपनिंग होगी, कटाई का समय होगा, तुड़ाई का समय होगा, वो कभी सिमिलर नहीं होगा, वो कभी समय पर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जानते हो सभी कि जो प्रकृति है, इंसान है, जानवर है, पशु पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी वनस्पति है, उनके अंदर हार्मोन्स है। हार्मोन्स जब डेवलप होंगे तभी जो होता है ना सभी प्रोडक्शन होगी, न्यू प्रोडक्शन तभी होगी जब हार्मोन्स पहले से ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्शन की ओर होंगे। ये दोनों काम करती है हमारी। एक छोटी सी शीशी में जो दवाई भरी है ना, इसमें बहुत कमाल की दवाई है, इसमें जो 8-10 तत्व पाए हैं ना, एक तो ग्रोथ, जब हमारी शुरुआती अवस्था में ग्रोथ की जरूरत है ना, हम इसका छिड़काव कर देंगे 200 से 250 ml एक एकड़ का, तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ को फुलफिल कर देगी सारा,
उसकी ग्रोथ बाकमाल होगी, जितनी उसको बूटे को जरूरत होगी ना, पौधे को जरूरत उसकी, उसकी शाखाएं भी उतनी निकलेंगी, उसकी जो ग्रोथ होगी बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी। और दूसरे जो होते हैं ना, उसके हार्मोन जब डेवेलप होने चाहिए वेजिटेटिव की ओर, वेजिटेटिव की ओर से रिप्रोडक्शन की, जब उसको बालियों की जरूरत होगी, जैसे मटर का सीजन चल रहा है अब, पीस मटर और आलू का सीजन चल रहा है, जैसे मटर ग्रोथ कर जाता है ज्यादा, उसको फूल और फल नहीं आता, उस समय क्या होता है कि उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ ही ज्यादा हो रही है, उसको वो जो सिग्नल ही नहीं मिले, उसके हार्मोन्स चेंज ही नहीं हुए अभी तक कि वो फूल ले। अगर हार्मोन्स उसके चेंज होंगे, जल्दी डेवलप होंगे, समय पर डेवलप होंगे, समय पर उसको जो सारे तत्व चाहिए, जो खुराक चाहिए, अगर उसको समय पर मिल जाएगी तभी तो चेंज होंगे ना। और ये जो 16 तत्व चाहिए, कई बार क्या होता है कि हमारी जमीन में से वो सारे तत्व नहीं मिलते, वो हमें तत्व देने पड़ते हैं। तो वो देते क्या है, हम DAP देते हैं, यूरिया देते हैं, पोटाश देते हैं, कोई ना कोई सल्फर देगा, इससे ज्यादा तत्व नहीं देते हम, जबकि जरूरत होती है उसको 16 मुख्य तत्वों की। जो कुछ तो हमारे वातावरण से अनुकूल जो कुदरत है वो ही दे देती है, और कुछ जो होते हैं हमको देने पड़ते हैं अलग से, वो सारे के सारे तत्व हम एक साथ एक जगह से लेकर हम उसको दे सकते हैं एक्टिव मैक्स के जरिए। जब एक्टिव मैक्स हम उसको देते हैं ना, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है ना, वो रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 25 दिन का उसका टाइम पीरियड होता है वेजिटेटिव ग्रोथ होगी मटर की, उसके बाद उस पर फूल आने शुरू हो जाएंगे, फूल आएंगे, फल बनेगा, तो फिर एक समय आता है जिसके उस समय पर हम कटाई करते हैं, उस समय पर हम निश्चित रूप से कटाई कर सकेंगे। अगर वो सिमिलर नहीं होगा तो जो हमारी राइपनिंग स्टेज वो कभी सही नहीं होगी, इसको समझना पड़ेगा। इसके साथ जो होता है ना, वो सारे के सारे तत्व मिल जाएंगे, और सही समय पर जो हमारी फसल है ना, वो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट होगी, रिप्रोडक्शन से राइपनिंग में कन्वर्ट होगी। जब सही समय पर उसको सारे तत्व मिल जाएंगे तो हमारा जो यील्ड है ना, यील्ड बहुत बढ़ जाती है, 1.5 से 2 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हमारी यील्ड बढ़ जाती है। जैसे आप कनक के सीजन में अब एक स्प्रे तो पहले करवा दो, जब खरपतवार नाशक खत्म हो जाए, नदीन खत्म हो जाए, 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद आपने जो नदीन खत्म करने थे कर लिए, उसके बाद एक एक्टिव मैक्स की स्प्रे फर्स्ट टाइम करवा दूंगा, 200 से 250 ml एकड़ के हिसाब से, एक एकड़ में डलवा के इसकी स्प्रे करवा दो, जो उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ और फुटार दोनों बढ़िया हो जाएंगे। जितनी पौधे को जरूरत होती है ना ग्रोथ की, वो ग्रोथ ले लेगा, फुटार ले लेगा। और दूसरी स्प्रे उस समय करवानी है जब बालियां निकल आए, सिट्टा निकल आए, सिट्टे में दूधा बनना, दाना बनना शुरू हो जाए, उस समय बहुत जरूरी है। आप जानते हो कि जब दाना बनना शुरू हो जाता है ना, जब भी दाना किसी भी फसल में, कोई भी स्टेज हो किसी भी फसल की, जब उसके फूल और फल आना शुरू हो जाता है ना, उस समय खुराक की बहुत जरूरत होती है। उस समय क्या होता है, जमीन से वो खुराक इतनी नहीं ले पाता, उसको हमें फॉलियर स्प्रे में देनी जरूरी होती है। उस समय के लिए भी जी जो हमारा प्रोडक्ट है ना एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट, उस समय हम स्प्रे में डलवा सकते हैं। उसके डलवाने के कारण क्या है, उसके डलवाने के कारण है कि जो इसमें 8 से 10 तत्व है ना, वो सारे के सारे उस फल को जो है ना, इसलिए वो ग्रेडिंग करेंगे, उसको फल का साइज बड़ा होगा, उसकी शेप बढ़िया हो जाएगी, उसका जो आकार, जो मार्केट में उसका दाम मिलेगा ना आपको। अगर मटर की बात करें, मटर जो है ना, इस बार जिस जगह पर हमने करवाया है वो 1.5 से 2 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्यादा बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसमें जो नमी होती है, नमी बरकरार ज्यादा समय तक रहती है। जो इसमें तत्व है ना, तत्व उस फल को ग्रेडिंग बहुत करते हैं। ग्रेडिंग करने के मतलब होता है, जैसे फल फली में आम देखोगे मटर का साइज, तो उसमें 5-6 दाने आते हैं, जहां हमने जे 2 स्प्रे डलवाई होगी ना, वो 8 से 10 दाने बनकर पूरा फुलफिल होके आएगा, मटर जो होगा पूरा भरा होगा। भरा होने के कारण उसमें नमी नहीं रहेगी, नमी ज्यादा होगी, दाना जो होता है ना, दाना उसका लूज नहीं होगा, और मार्केट में उसकी शेल्फ लाइफ भी जो होती है ना, 2 से 3 दिन अधिक मार्केट में चल सकता है। यही कारण होता है कि जो हम अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे हमारा जो यील्ड होती है बढ़िया होती है। और
एक हमारा और प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट हमारा होता है एक्टिव जाइम, जो हम पंजाब में नहीं बेचते। जाइम है हमारा, उसमें जो है वो भी केमिकल फ्री है, उसमें जाइम नहीं आते, दूसरी स्टेटों में चल रहा है, बढ़िया है। बूटे की जो पौधा होता है किसी भी फसल का है ना, उसकी ग्रोथ में और उसकी फुटार में उसका बहुत मतलब है। जाइम होते हैं उनमें सारे, जो जाइम होते हैं ना, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सारे कार्बोहाइड्रेट जाइम्स हैं उसमें। वो हमारे इधर नहीं बिकता, वो दूसरी स्टेज में बिकता है। और ये प्रोडक्ट जो हमारे दो हमने बताए हैं, अपना एक्टिव मैक्स और एक्टिविटी, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं। आप अपनी डेमो किट में इसको साथ लेकर रखें और अपने जमींदार किसान भाइयों को इसके बारे में जरूर आगाह करें, उनको बताएं, जिसके साथ उनकी आमदनी बढ़ेगी और हम उनका भला कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होगा इसके साथ। जब ये उनको यूज करेंगे ना, वो आपको दुआएं देंगे और इस प्रोडक्ट की जो है ना माइलेज आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू मनिंदर सर, हमें इतना अच्छी तरह बताने के लिए इस कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर मिस्टर मुनीश चोपड़ा। वो आज हमें जो दिसंबर मंथ की ऑफर्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम लेते ना लेते हुए बुलाना चाहूंगी मिस्टर मुनीश सर चोपड़ा को। गुड बोधी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत वधिया आज दी, बहुत बढ़िया आज ट्रेनिंग दी है मनिंदर भाई ने, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो थे दिमाग के अंदर वो काफी कम हो गए होंगे। मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं, तो अभी टाइम चलो एक दो लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मनिंदर पाजी यहाँ पर हैं, अभी सिर्फ दो लोगों के क्वेश्चन लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो सरिता जी, हाँ जी सरिता जी, क्या पूछना चाहते हो? सर कुछ डाउट थे सर, जैसे कि सर ने बोला था, बोलो मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा ऊंची। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, आ रही। मनिंदर पाजी आप भी हो ना लाइन पे? जी 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 सर। सर जैसे एक्टिव मैक्स आपने बोला था कि ऑर्गेनिक है, तो एक्टिव मैक्स अकेला यूज करना है या नहीं, तो उसके साथ में एक्टिव जिम या एक्टिविटी ऐड करना सर? मैम जो एक्टिव मैक्स है ना हमारा, वो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। यस उसके साथ एक्टिव जाइम नहीं जरूर करने की जरूरत, उसके साथ एक्टिविटी डलवा सकते हैं आप, अगर फॉलिकल स्प्रे कर रहे हैं तो। अगर उसका छिड़काव नहीं कर रहे, फर्टिकेशन कर रहे हो, छिट्टा दलवा रहे हो, तो उसके साथ एक्टिविटी नहीं दलवानी, फॉलियर स्प्रे के थ्रू आप दलवा सकते हो। ओके, यूरिया वगैरह भी कुछ भी नहीं मिक्स करना, सिर्फ एक्टिव मैक्स ही एक ही यूज करना है? नहीं मैम, अगर एक्टिव मैक्स आपने यूरिया के थ्रू देना है तो दे सकते हैं, फर्टिकेशन के थ्रू दे सकते हो आप। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और सर सेकंड डाउट है सर, जैसे अभी एक्टिव आपने जब बोला ब्रेक हो गए सर, तो एक्टिव एटी का भी और एक्टिव मैक्स का भी एक एकड़ में कितना कितना यूज करना है सर? आपकी वॉइस ब्रेक होने से समझ में नहीं आया। एक मिनट सरिता जी, महेंद्र हाँ जी, मैं आपका नंबर दे सकता हूँ? जी जी कोई बात नहीं, देते हैं। सर अपना नंबर बोलना। 9878339539। एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोस्तों नंबर लिख लो, 9878339339539539। थैंक यू, ठीक है जी। तो बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं लेंगे, प्लीज आप फोन करके पूछ लेना कल मॉर्निंग में, अभी नहीं फोन करना, ठीक है। सो थैंक यू। सो दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक
ऑफर के बारे में बताना जो कि कंपनी की तरफ से हमारी चल रही है, जिसका नाम है यूएस पोलो का जो बैक की ऑफर है, बहुत ही बढ़िया ऑफर है, पूरा महीना ऑफर चलेगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग जरूर उस ऑफर का फायदा लीजिए और उसको दबा